समोसा का बेस रेडी हो गया गाइस। अभी इसको हम लोग फर्मेंटेशन के लिए छोड़ेंगे ऑलमोस्ट 12 आवर्स, 12 घंटा ना भास्कर भाई। तो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं मेरे प्यारे व्यूअर्स। तो आप लोगों को रमजान की ढेर सारी मुबारकबाद। और आज रमजान का दूसरा रोजा है और फर्स्ट रोजे के दिन मैंने ताली जो भी बनाया है आप लोगों को शेयर नहीं किया, लेकिन इंशाल्लाह आज फ्राइडे है तो आज मैं रूम पे हूँ और एकदम अच्छे से प्रिपरेशन जो रेडी करूंगा वो आप लोग से शेयर भी करूंगा। इसी वीडियो में आप लोग को देखने को मिलेगा। और एक चीज मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ, तो उसी के लिए, ये खास मकसद के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ कि फाइनली आज 4 साल के बाद मुझे कतर आईडी मिल गया है। और मैं आप लोग को दिखा दूँ कि कतर आईडी मिलने के बाद थोड़ी सी अच्छी खुशी ये हुई है कि चलो भाई अब तो मतलब एक हो गया हो कि अभी मैं रेसिडेंट हो गया हूँ कतर का। पहले स्टार्टिंग में जब मैं 2019 में आया तो उस समय बिजनेस वीजा था, तो बीच में आप लोग पता है पैंडेमिक की वजह से लॉकडाउन और वीजा का भी सब काम बंद हो गया। फिर ये कंपनी में भी ऑलमोस्ट मुझे 2 साल होने वाला है, तो इस कंपनी ने मुझे फाइनली दे दिया है कतर आईडी। और अभी मेरा प्रोसेस, सब प्रोसेस कैसा है आप लोग को बताऊंगा। तो गाइज ये मेरा कतर आईडी है, तो 4 साल के बाद मिला है फाइनली। अभी देखते हैं इंशाल्लाह, अभी कॉन्ट्रैक्ट भी जल्दी रिन्यूअल होगा। अगर कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल होता है तो और भी कुछ मिलने के होप्स है, तो जैसे जैसे जो चीज़ मुझे मिलेगा मैं आप लोग से शेयर करूँगा। और बस थोड़ी सी एक्साइटेड थी कतर आईडी का, बहुत बार मैंने अपने कोऑर्डिनेटर से रिक्वेस्ट भी किया था, जो कि जी अल्हम्दुलिल्लाह थैंक्स फॉर हिम कि उन्होंने भी मुझे प्रोवाइड कर दिया। मेरे पहले के आए हुए बंदे लोग, मेरे बाद के आए हुए बंदे लोग को मिल गया था, मुझे नहीं मिल रहा था, तो मैं थोड़ा सा वरीड था कि क्या होगा पता नहीं, तो मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो फाइनली अब मुझे कतर आईडी मिला है, तो गाइज बहुत अच्छा लग रहा है। और आप लोगों को दिखाया था इसके, अभी ये कैसा है कि देखिए, यहाँ पे कंपनी पहले क्या करता था कि यहाँ से एग्जिट कराता था, कतर से एग्जिट करा के फिर बुलाता था आईडी के लिए। तो अभी ऐसा नहीं है, अभी यहाँ पे ही आपका मेडिकल हो रहा है। मेडिकल में क्या होगा, ब्लड के सैंपल्स लेंगे, ब्लड में क्या क्या चेक होता है ये नहीं मालूम है, एक्सरे होगा और बहुत इजी है, आधे घंटे का प्रोसेस है, आधे से 45 मिनट का प्रोसेस हो जाएगा। फिर उसके बाद से आपका जब मेडिकल फिट हो जाएगा तो आप लोग फिर जाके जो यहाँ का फिंगरप्रिंट जो का ऑफिस है, आई थिंक सो इंडस्ट्रियल एरिया में ही है, मेरे को जहाँ तक मालूम है, मैं गया हूँ इंडस्ट्रियल एरिया में ही, वहाँ पे ही फिंगरप्रिंट हुआ आपके पूरे, मतलब थंब से लेके ये चारों उंगलियाँ, उसके बाद ये जो हथेली होता है, सब चीज़ का आपका फिंगरप्रिंट वहाँ पे लिया जाएगा। और वहाँ पे भी इतना कोई लंबा प्रोसेस नहीं है, मॉर्निंग अर्ली मॉर्निंग में जो जाओगे उसका बहुत जल्दी ख़त्म होगा। और भीड़ तो उतना मैं जब गया था तो नहीं था, तो पता नहीं वहाँ पे भीड़ है भी कि नहीं है। तो बहुत इजी प्रोसेस है, पहले तो कंपनी खर्चे करके टिकट दे के दुबई भेजती थी, ओमान भेजती थी, कुवैत भेजती थी, किसी किसी को इंडिया भी भेजती थी। मेरी पहले वाली कंपनी इंडिया भेजी थी KVC कराने के लिए। तो यहाँ पे KVC मेडिकल बड़ा इजी और बड़ा टाइम, थोड़ा सा महंगा पड़ता है, लेकिन वो तो कंपनी का हेडेक है, उसमें हम लोगों को कोई टेंशन नहीं है। तो बस यही बताना था गाइस, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो भी अच्छा लगा हो। अब नेक्स्ट पार्ट इसी में आप लोगों को मेरा आज रमज़ान का प्रिपरेशन दिखाऊंगा, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छा लगेगा। बस अकेले बना रहा हूँ तो आप लोगों को जो भी मैं मतलब बनाऊंगा दिखाऊंगा। तो चलते हैं, अभी तो टाइम है, फिर अभी जब बनाऊंगा तो आप लोगों को शेयर करूंगा यार। तो आप लोग बस लाइक करना अच्छा लगे, तो चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, बाकी खैर आप लोग की मर्जी है। अगेन रमज़ान मुबारक सब लोगों को। तो फाइनली देखो गाइज, मैंने सहरी के टाइम उठा था तो ये मैंने एक डोसा के लिए एक प्रिपरेशन रेडी किया बीट बनाने के लिए। और गाइज मुझे डोसा बहुत अच्छा लगता है, प्लेन डोसा ज़्यादातर, मसाला डोसा नहीं। तो मुझे पहले बनाने नहीं आता था, तो एक मेरे रूममेट है भास्कर भाई, वो तमिलनाडु के हैं, वो डोसा बनाने में एक्सपर्ट है, तो उन्होंने पहले बात तो मुझे बीट बनाना सिखा दिया, बड़ा ज़बरदस्त बीट लास्ट टाइम भी बनाया था, बहुत अच्छा लगा था। और डोसे के लिए जो तवा है ना वो अभी मेरे पास नहीं है, तो इसलिए डोसा अच्छा नहीं बन पा रहा है, लेकिन जैसा भी बनेगा मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। और अभी मैं इसको रेडी कर लेता हूँ जल्दी जल्दी, तो करने के बाद से फिर आप लोगों को दिखाता हूँ कि किस टेक्सचर में, मतलब इसकी जो थिकनेस है वो किस थिकनेस में मैं रेडी करता हूँ। और बने रहिए वीडियो में यार, देखिएगा पूरा आज का ब्लॉग्स। निकालता हूँ मिक्सर, असल में पीसते हैं हम लोग ना पत्थर वाले मिक्सर में,
वो है नहीं। थोड़ा सा आप लोगों को वीडियो बड़ा मिलेगा आज का, लेकिन कोशिश करेंगे छोटा ही वीडियो देने के लिए। मिक्सर रेडी है गाइस, अभी इसमें मैं डालूंगा चावल, उड़द का दाल और थोड़ा सा इसमें मैंने मिक्स किया है क्या बोलते हैं वो मेथी दाना, ऐसे में थोड़ा सा मतलब टेस्ट अच्छा होता है। और उड़द का दाल ना गाइस मोटा वाला उड़द का दाल, ये वाला इसमें टुकड़ा वाला भी होता है, वो टुकड़ा वाला नहीं है, ये मोटा वाला है। जब इसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसको हम पीसेंगे तो देखिए गाइस कितना ज़बरदस्त हमारा रेडी हुआ है। और ये हमको इतना ही चाहिए क्योंकि अभी इसमें हम पूरा अच्छे से पीसने के बाद से ना नमक डाल के थोड़ा सा छोड़ेंगे, जब फर्मेंटेशन हो जाएगा तो फिर इसमें थोड़ा सा पानी मिलाएंगे। ठीक, ये टेक्सचर इडली के लिए अभी ही है, अभी अभी तक मतलब ये फर्मेंटिंग होने के बाद से आप इसे इडली के लिए यूज़ कर सकते हैं विदाउट पानी मिलाए। लेकिन अभी मैं पीसने के बाद से इसमें पानी मिलाऊंगा कब, जब फर्मेंटेशन मतलब डोसा का बीट रेडी हो गया गाइस, अभी इसको हम लोग फर्मेंटेशन के लिए छोड़ेंगे ऑलमोस्ट 12 आवर्स, 12 घंटा ना भास्कर भाई। भास्कर भाई ये मेरे को देखा, यही भास्कर भाई डोसा बनाने के लिए सिखाया है, बहुत नाइस बंदा है भाई तमिलनाडु का। अभी फ्राइडे है तो सब लोग अपना अपना काम करके रखा है, अभी मैं इसको थोड़ा घोटूंगा 10 मिनट तक, इसको छोड़ दूंगा। सो गाइस तो अभी देखिए ये है मेरा मोस्ट फेवरेट चना का दाल, जो कि मैंने इसको 4 घंटे पहले भिगोया था, और चना बनाया हूँ चना मसाला, और ये है मटन बिरयानी मंदिर टाइप का, और एप्पल बनाना, और साथ में है आलू के पकौड़े। तो गाइज यही है मेरा रमज़ान का प्रिपरेशन। सो फाइनली गाइज अभी हमने इफ्तारी करके मुकम्मल हो गया है, नमाज वमाज पढ़ ली हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह दूसरा रोज़ा बहुत अच्छे से गुजर गया। और माशाल्लाह कतर का जो क्लाइमेट है वो बहुत ही बेहतरीन क्लाइमेट है आज के दौर, अभी के टाइम में ये साल। तो आप लोग को उम्मीद करता हूँ ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो अच्छी लगी तो एक लाइक कर देना, चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब कर देना मेरे दोस्तों। और एक चीज़ और बात आप लोग से कहना चाहता था कि फिलहाल कतर में चाहे जो भी इस वीडियो को देख रहा है, चाहे इंडिया में भी जो भी इस वीडियो को देखेगा कहीं से भी, मतलब खासतौर पर इंडिया और कतर में, जो जिसके पास एक UPI का पेमेंट माध्यम होगा, तो मैं अपना एक डिस्क्रिप्शन में एक नंबर दूंगा, जिससे अगर आप लोग जितना भी जहां भी जितना भी पैसा हो सके, मिनिमम आप अगर 1 रुपया भी डालना चाहते हैं तो उस नंबर पर डाल दीजिएगा ज़कात के तौर पे, फितरे के तौर पे, और वो एक बहुत ही अच्छे जगह पे यूज़ किया जाएगा। तो आप लोगों को अगर मुझ पर भरोसा हो, अगर आप लोग मैं आप लोगों को शेयर भी करूँगा कहाँ मैं वो पैसे को यूज़ कर रहा हूँ, और ज़कात और फितरा मतलब आप लोग जितना दोगे उतना ही कम है, लेकिन आप लोग की मर्ज़ी, मैं एक नंबर डालूंगा जो कि नंबर मेरा ही है। आप लोग को फोन पे से आप पैसा जब ट्रांसफर करोगे 10 रुपये 100 रुपये, तो मुझे कमेंट में भी कह देना, चाहे आप मेरा इंस्टाग्राम जो कि आसिफ खान किचन के नाम पे है वहाँ पे फॉलो करके मुझे DM कर सकते हो आप लोग। तो एक छोटी सी रिक्वेस्ट, मतलब मैं पहले मर्जी आप लोग को भेजोगे तभी भी ठीक है, नहीं भी भेजोगे कोई मसला नहीं है। तो मैं चाहता हूँ कि एक फंड इकट्ठा करके एक कहीं किसी जगह पे दिया जाए, तो मैं आप लोग से ज़रूर शेयर करूंगा। अगर जो भी इस वीडियो को देख रहा है सऊदी, दुबई, कतर, कुवैत, ओमान, इंडिया, तो बस आप लोग से गुजारिश है, घर की खैरियत से रहिएगा, रोज़ा रहिएगा, इबादत करिएगा, और भाईचारगी भी बरकरार रखिएगा। तो मिलते हैं कोई अच्छे से ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।